हेलो बहनों, और सब कैसे हो? तो थोड़ी सी मैं पहले अपने काम की झलक दिखाती हूँ कि ये है मेरी प्लेन और थान का कपड़ा की सलवार जो मैंने अभी परचेज किया था। तो ये बिल्कुल प्लेन है और इसमें कोई कढ़ाई या फिर कुछ भी प्रिंट सितारा वितारा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो थान का कपड़ा आता है 80-90 रुपये मीटर का, मैंने वो लिया है। और आज हम इस पर अपनी एम्ब्रॉयडिंग करेंगे और इसको बहुत सुंदर लुक देंगे। तो पहले मैं इसको काट लेती हूँ और स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि उसके स्टिच करने के बाद ही हम इस पर बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडिंग करेंगे, जिसको हम कढ़ाई बोलते कढ़ाई करेंगे हमारी नॉर्मल भाषा में। तो ये है सलवार, पहले मैंने सलवार जी लिया है और इसके हैं पोंचे, और बिल्कुल प्लेन सलवार है। तो पोंचे ऐसे होते हैं जो सलवार के नीचे का हिस्सा, जो हमारे सलवार को मतलब खूबसूरत बनाने में बहुत सहायता करते हैं। तो मैंने फिर सलवार के पोंचे पर ही एम्ब्रॉयडिंग करने की सोची और ये लुक थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो पहले मैं इसको जहाँ जहाँ पे मेरे को एम्ब्रॉयडिंग करनी है और जिस शेप में करनी है, पहले मैं उसको मार्क कर लेती हूँ स्केच से, जिससे कि हमारे आड़ी टेढ़ी ना जाए और बिल्कुल बेस्ट तरीके से एम्ब्रॉयडिंग करें। और मैं पहली बार कर रही हूँ, तो आप ऐसा ना सोचे कि मैंने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से अपने घर पे भी कर सकते हैं, सिंपल सूट लाके, और जो बहुत ही मस्त लगते हैं बाद में सिलने के बाद। अगर आप भी प्लेन सूट पहनना पसंद करते हैं और उसके बाद आप उस पर छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडिंग करके और बहुत प्यारा लुक दे सकते हैं, और वो बहुत महंगा भी लगने लगता है और बहुत सुंदर भी लगने लगता है। तो अगर आप भी एक बार करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर जाके कि कितने अच्छे लगते हैं ये। तो चलो, और तो आप वीडियो में देख ही लेना कि आपको कैसा मतलब इसका लुक लगता है, और जैसा भी लगता है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस को स्टिचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं मतलब उस पर विश्वास करती हूँ कि जो अपने हाथ से हो जाए काम, वो सबसे बेस्ट होता है। वरना तो मैं टेलर से भी करा सकती हूँ, बट नहीं यार, जो चीज़ खुद के हाथ से करने में मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। तो आप भी जितना भी हो अपने हाथ से, अपने आप से कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमें आती है ना, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। और लेडीज़ों को तो खासकर मैं ये एडवाइस दूँ मेरी तरफ से कि हमें कुछ ना कुछ आना ज़रूर होता है, आना ज़रूर चाहिए। नहीं आता है तो आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए सीखने की, क्योंकि लड़कियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आप उन सब चीज़ों से बचना चाहते हो ना, कि हमें बाद में ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े, तो ज़िंदगी में सीखते रहिए, कभी ना कभी वो चीज़ें बहुत काम आती है। और उस टाइम जब काम आती है ना, तो हमें फील होता है कि यार शायद सही था मैंने उस टाइम ये चीज़ कर ली, वरना तो आज मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता। और लड़कियों को कामयाब भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़के अगर 1% ना भी हो ना, हम सोचते हैं कि हम तो पराए घर चले जाएंगे, हमारे से क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। पर नहीं, हमें जब पराए घर जाना है, तो वो हमारा अपना घर भी नहीं है। और दूसरे सभी अनजान जगह पे रहना, अनजान जगह पे मतलब अपने आप को रखना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अगर और फिर आजकल तो बहुत लड़कियां बहुत कुछ फेस भी कर रही हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर करना पड़ेगा। तो बहुत लंबी वीडियो मैं इतना कुछ नहीं बोल पाऊँगी, तो आप इसको देख लीजिए कि आपको ये एम्ब्रॉयडिंग कैसी लगी। और अगर पसंद आई हो तो एक बार कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी एम्ब्रॉयडिंग चल रही है, थोड़ा मैं भी धीरे कर पाती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा भी। मैं इतनी मतलब इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं मिनटों में कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर होके स्किप करके चल दोगे, इससे अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ, क्योंकि समझ तो आ गया होगा कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। और जब स्टार्टिंग सही हो जाती है तो एंड भी अच्छा ही होता है। तो मैंने फर्स्ट जो स्टेप है इसका वो कंप्लीट कर लिया है, जो येलो कलर का है, और जो इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम येलो के साथ पिंक कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, जो और भी प्यारा लगेगा। और फिर हम इसी टाइप के इस थान के सूट पर दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा लुक अच्छा आएगा। येलो या पिंक दोनों इस पर चल जाएंगे, क्योंकि हमने एम्ब्रॉयडिंग इसी टाइप की कर दी है और जो इस पर बहुत अच्छी लगेगी। तो अब इन जिग जैग पे हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे पिंक कलर के, जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगेंगे।
तो येलो कलर के चलो फ्लावर बनाते हैं, और बहुत सिंपल वे में है, आप आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम नहीं है, ताम झाम तो मुझे ही नहीं आता, तो मैं आपको तो क्या ही बताऊँगी। मुझे बहुत सिंपल एम्ब्रॉयडरिंग आती है, बट जितनी भी आती है वो मैं कर लेती हूँ, अपना काम चला लेती हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको भी पसंद आती है तो देखिएगा कि ये कितनी प्यारी लगती है। तो ये है हमारी कुछ प्यारी सी एम्ब्रॉयडिंग। तो ये फ्लावर आप किसी और शेप पे भी बना सकते हैं, ये तो मैंने पोचे पे किए, बट अगर आप सूट पे भी बनाना चाहें, आजकल तो एम्ब्रॉयडिंग के बहुत सूट आ रहे हैं, तो आप उसी टाइप से अपने घर पे थान का कपड़ा लाके और बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडिंग कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो। और अपने हाथ से की हुई एम्ब्रॉयडिंग थोड़ी अच्छी मजबूत काम होता है, क्योंकि वो हमारा अपना काम है, तो हम उसको थोड़ा मजबूती देते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप से मैंने एक फ्लावर की शेप दे दी है, और इसमें 3 जो पत्ती है वो बना के, और हम एक प्यारा सा फ्लावर, ये अच्छा लगेगा, और इसका कॉम्बिनेशन भी बेस्ट लग रहा है, जिसमें पिंक और येलो है। और आपको ये कैसी लगी, पसंद आए तो मेरे को ज़रूर बताना, भूल मत जाना। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत प्यारी लग रही है, मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी लंबी वीडियो हो गई, कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर चलो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जो बिगनर्स है वो हमारे जैसे सिचुएशन को फेस करते रहते हैं, तो कोई नहीं, चलता है, आप हमारे जैसे ही है जो ज़रूर समझोगे इस चीज़ को। तो अगर आपको बुरा लग रहा है कि मैं इतना बोल रही हूँ, तो आप वॉल्यूम को थोड़ा डाउन करके देख सकते हो, क्योंकि जिसको देखना पसंद है वो देख सकता है, जिसको बोल मतलब सुनना पसंद है वो सुन सकता है। तो ऐसे ही हम पूरे पे अब जिग जैग पे फ्लावर बना के और एक सुंदर एम्ब्रॉयडिंग बनाएंगे, और जो बहुत दिखने में बहुत प्यारी लगेगी। और इस टाइप से मैं मतलब जिस टाइप से मैंने पोचे पे बनाया, इसी टाइप से जो मैं सूट का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसको हम पल्ला बोलते हैं, उस पल्ले पे भी करूँगी आगे की तरफ, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सूट अभी सिला नहीं था, अगली वीडियो में मैं, अगर आपको देखना पसंद हो तो मैं उसकी भी वीडियो लगाऊंगी सामने, और फिर आपको कंप्लीट सूट दिखाऊंगी अगली वीडियो में कि ये सूट पहनने के बाद कितना बेस्ट दिखता है। तो अभी तो मेरी सलवार बनी थी, तो उसके पोचे मैंने इसीलिए वीडियो डाल दिया, क्योंकि जब यही वीडियो इतना लंबा हो गया तो ये और भी लंबा हो जाता, तो मैं इसको हाफ हाफ में करके आपको शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप देखते रहिएगा। पहले तो हम इस पोचे को कंप्लीट कर लेते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा मतलब सुंदर लगने लगा है इसका लुक, तो इसको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, वरना तो आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो बहुत लंबे हो जाएगी, इतनी लंबे कोई नहीं देखेगा। तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और इसके बाद थोड़ा नीचे का पार्ट तो अच्छा लग गया, पर ऊपर की तरफ भी है, क्योंकि मैं ये ऐसे पोचे 4 इंच के अच्छे लगते हैं, तो मैं 4 इंच लंबे कर लेती हूँ, तो ऊपर का हिस्से पे भी हम बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडिंग करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो देख के ज़रूर जाना।
हमारे ब्यूटीफुल से पोचे बनके तैयार हो चुके हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे थान के कपड़े को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया है, आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। बाय।